الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक ये जहां एक वो जहां इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का चल पड़ी तो ये जहां रुक गई तो वो जहां तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां साथ होंगे सरकारे दो जहां इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा बुलंद आवाज में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है निगाह फिक्र को ताजा शऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके
नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मौजज़ हाजरीन बुजुर्गाने दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई सीरतुन नबी के उनवान पर, इश्क रसूल की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्ची अकीदत नसीब फरमाए। ख्वाब में, जोर से कहना आमीन, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। कयामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमाए। किताबों में लिखा है हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफीय है। वकील एडवोकेट जो जज से कहता है मेरे मुवक्किल ने ये काम नहीं किया लिहाजा इसे छोड़ दिया जाए, अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा पक्की। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफीक है। वकील कहता है नहीं किया छोड़ दिया जाए, शफी कहता है सब कुछ किया है सिर्फ मेरा आना देख लिया जाए। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का इहाता करना किसी के बस का रोग नहीं। सीरतुन नबी के उनवान पर हजारों किताबें लिखी गई, आखिर में मुसन्निफ ने यह कहकर कलम छोड़ दिया बाद अस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। सारी जिंदगी अगर मैं नात खानी में लगा रहा हूं, सारी जिंदगी आप हुजूर की तारीफ के गीत गाते रहे, मेरा तुम्हारा ईमान है आपकी सीरत के एक बाब का हक अदा नहीं हो सकता। कितने साल पहले हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया। हमारा कोई अजीज दोस्त रिश्तेदार इंतकाल कर जाए, एक साल दो साल ज्यादा से ज्यादा तीन साल आदमी भुला दिया जाता है। जिस दौर में आज हम जी रहे हफ्ते में लोग भूल जाते हैं, टाइम कहाँ है किसी के पास। हमारे नबी को दुनिया से गए 1400 साल से मुतजावी जमाना गुजरा, लेकिन जितना प्यार हम अपने आप से नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा प्यार हम अमीना के लाल से करते। बोलो बेशक। हालांकि हमने इन्हें देखा नहीं, लेकिन दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार है। आपका नाम ना हो नमाज मुकम्मल नहीं, आपका नाम ना हो अजान मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो तौहीद मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे है, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। रेत के दरिया के किनारे पर एक दिल जला आशिक था, लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा कहा क्या कर रहा है, अपनी माशोका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला एक दिल जले आशिक को जब उसकी माशोका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आज मेरी तकरीर का उनवान है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अभी तो मैं अपनी उनसियत पैदा कर रहा था, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आज मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजिजात पे कलाम करना है। अल्लाह मेरी जबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इब्ने सीरीन ने 198 की तादाद लिखी है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बहुत सारे मौजिजात से नवाजा था। बड़े मौजिजे चार हैं। पहला मौजिजा कुरान, दूसरा मौजिजा खत्मे नबुव्वत, तीसरा मौजिजा सहाबा का वजूद और चौथा मौजिजा मेराज। ये चार बड़े मौजिजे हैं। काबा की दीवार भी चार है, अल्लाह के बड़े फरिश्ते भी चार है, अल्लाह की बड़ी आसमानी किताबें भी चार है और मेरे नबी के यार भी चार है। पहला मौजिजा कुरान, बोलो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। और अल्लाह ने मुझे और आपको दो कुरान अता फरमाए। कितने? आप सोच रहे होंगे हमने तो अब तक एक ही देखा है। दो कुरान अता फरमाए। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पे मौजूद है। आगे वाला जुमला सुभान अल्लाह कहना। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा कई साल पहले कुरान और मुसलमानों के तनाजुर में एक नज़म लिखी थी। वो ऐसा कलाम था, मैं और आप शर्मिंदगी में पसीने में डूब जाए। वो हिंदू लिखता है शायर, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया। जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया। तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों, तुमने क्या किया? यही हाल है आज कुरान के साथ, जो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजिजा है। दादा की नानी की मैयत घर में पड़ी हो तो सूरह यासीन की पेटी याद आती है। कौन कुरान पढ़ता है? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ये कुरान शिकायत करता है कि मेरा बस इतना ही काम रह गया है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान और हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। इतना ही ताल्लुक है ना। दस्तावेज फंस गया, जमीन फंस गई, काम कुरान की कसम। चार बड़ी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। एक तौरेत, नंबर दो इंजील, नंबर तीन जबूर और नंबर चार कुरान।
तौरेत अल्लाह ने किन पर उतारी? बोलो, मूसा अलैहि सलात सलाम पे उतारी। इंजील अल्लाह ने ईसा अलैहि सलात सलाम पे उतारी। जबूर अल्लाह ने दाऊद अलैहि सलात सलाम पे उतारी। और कुरान 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने आमीना के लाल के सीने पे उतारा। चारों किताब अल्लाह ने उतारी। तौरेत इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, अगर है तो भी नुस्खे बदल चुके हैं, कुछ हजफ कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया। तो इंजील इस जमाने में जैसी उतरी थी वैसी मौजूद नहीं है। जबूर जैसी उतरी थी वैसी मौजूद नहीं है। लेकिन कुरान आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो नुस्खा आपको अकबरी मस्जिद में मिलेगा वही अमेरिका की जामा मस्जिद में मिलेगा, जेर जबर के फर्क किए बगैर। उतारा कैसे? जब तौरेत उतरी, अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से कहा, जाओ कोहे तूर पे चले जाओ, 40 दिन इबादत करो, मैं बाद में तौरेत उतारूंगा। 40 दिन इबादत की, अल्लाह ने बाद में तौरेत उतारी। जब इंजील उतारने की बारी आई, अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम से फरमाया, अपने इबादत खाने में चले जाओ। 8 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील उतारी। जब जबूर की बारी आई, अल्लाह ने कहा जाओ माबत खाने में चले जाओ। 3 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में जबूर उतारी, कुर्बान जाऊं। जब अल्लाह ने कुरान उतारा, यूं नहीं फरमाया मोहम्मद जाओ फुला पहाड़ी पे चले जाओ, मोहम्मद जाओ फुला गार में चले जाओ। अल्लाह की कसम, मेरे नबी पे अल्लाह ने कुरान कैसे उतारा? जहां जहां मेरा नबी गया, अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। मेरा नबी मक्के में, कुरान मक्के में, मेरा नबी मदीने में, कुरान मदीने में, मेरा नबी गार में, कुरान गार में, मेरा नबी बदर में, कुरान बदर में, मेरा नबी बाजार में, कुरान बाजार में, मेरा नबी उहुद में, कुरान उहुद में, मेरा नबी खंदक में, कुरान खंदक में, मेरा नबी खैबर में, कुरान खैबर में, मेरा नबी तबूक में, कुरान तबूक में, मेरा नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में, हत्ता के मेरा नबी हुजरे आयशा में, अल्लाह ने कुरान हुजरे आयशा में भेज दिया। जहां जहां मेरा नबी गया, अल्लाह ने कुरान पीछे पीछे भेज दिया। आज भी कुरान हमारे घरों में है, मस्जिदों में है, इलाकों में है, सोसाइटियों में है। बस कसूर इतना है, पढ़ने का टाइम नहीं। यूं नहीं कहते पांच पारे पढ़ो, पर एक रुकू पढ़ो, दो रुकू पढ़ो, पांच रुकू पढ़ो। इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ेगी, इंशाल्लाह कुरान से दोस्ती करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में, रिस्क में, रोजी में, दुकान में छम छम रहमतों की बारिश बरसाएगा। ये पहला मौजीजा कौन सा? बोलो जोर से, पढ़ेंगे कुरान, हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, माशाल्लाह। नंबर दो, और एक बात, कल हम मर जाएंगे, मेरे को भी दुनिया से जाना है, आपको भी जाना है। जो आता है जाने के लिए आता है, हजारों आए हजारों चले गए, लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे, अगर कुरान से हमारी दोस्ती होगी, इंशाल्लाह ये कुरान हमारे लिए कब्र में सिफारिश करेगा। अगर मिश्कात शरीफ में यह हदीस मौजूद है, अगर कुरान से दोस्ती नहीं की, सिफारिश दूर की बात है, ये कुरान कब्र में हमारी शिकायत करेगा। जुमा में सूरे कहफ पढ़ने की आदत बनाओ, दज्जाल के फितने से अल्लाह बचाएगा। जो फितना एक टाइम होगा, ये फितना आएगा, हदीस में मौजूद है। जिनको ईसा अलैहि सलाम कत्ल करने के लिए उतरेंगे, दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर सीढ़ियां मंगवा कर उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। हटकर एक बात बताऊं, इमाम मेहदी आएंगे, दज्जाल को कत्ल ईसा अलैहि सलाम करेंगे, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे, नमाज का टाइम होगा तो ईसा अलैहि सलाम से कहेंगे आओ आप नमाज पढ़ाओ। कहा नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ। आगे वाला जुमला वो फरमाएंगे, नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद का उम्मत ही बन के आया हूँ। अल्लाह ने बिन मांगे बना दिया है। वो सबसे बड़ा फितना दज्जाल, इस फितने से बचना हो ताजी नियत करो, इंशाल्लाह हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ेंगे। जुमा में 2 घंटे दुकान बंद नहीं कर सकते, 2 रकात पढ़ के भाग जाते, 2 रकात का जुमा होता है, कम से कम जुमा में तो 14 रकात पढ़े, क्या कमा लेंगे इतने टाइम में। 14 रकात पढ़ेंगे, 14 करोड़ अल्लाह देगा आपको।
दुनिया क्या बटोरनी है, दुनिया मुकद्दर में जितनी लिखी है वो मिलनी है। कोई किसी का मुकद्दर नहीं छीन सकता, ना अपना कोई ले सकता है। जितना मेरे आपके मुकद्दर में लिखा है वो मिलना ही तय है। फिर हम इबादत से क्यों भागे, सुन्नतों से क्यों भागे? अक्सर नौजवानों का यह हाल होता है, ऐसी मस्जिद ढूंढते हैं, बिल्कुल बस दो रकात पढ़ के यूं दौड़ लगाएंगे, रेस लगाएंगे, जैसे गुज़िश्ता जुमा से यही मस्जिद में बैठा हो। दुआ में नहीं बैठते। मेरे भाई को मुझे दुकान के लिए नमाज के लिए छुड़ाना है। अरे दोनों भाई एक मस्जिद में जाते दुकान बंद करके, न इसकी ठीक रही न इसकी ठीक रही। दूसरा मौजीजा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, खत्म नबुव्वत, हमारा नबी आखिरी नबी। बोलो बेशक, अब कोई नबी आएगा? बोलो ऊंची, कोई नबी आएगा? ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी, ना कोई शरीयत आएगी, ना कोई उम्मत आएगी। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार लास्ट में आया, खातमुल अंबिया का लकब मिला। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबियीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया पारा नंबर 22, मैंने मेरे नबी पर खत्म नबुव्वत की मोहर लगा दी, अब नबियों का सिलसिला खत्म। जो भी दावा करे कि मैं नबी हूँ वो झूठा होगा, क्योंकि मेरा तुम्हारा ईमान है हमारा नबी आखिरी नबी। और एक बात, हमारा नबी सारे नबियों से आला। बोलो बेशक, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार, ये कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार, और ये उम्मत मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब, आप ऐलान कर दीजिए, कोई सूबे का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई बिरादरी का नबी, कोई कौम का नबी, जब आपके भेजने की बारी आई, अल्लाह फरमाता है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब, आप ऐलान कर दीजिए, सारी कायनात का नबी, चांद सूरज का नबी, पूरा पश्चिम का नबी, मशरिक और मगरिब का नबी, तहत सरा का नबी, अर्शे मुअल्ला का नबी, चांद की ठंडक का नबी, सूरज की शुआओं का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फरिश्तों का नबी, जिनों का नबी, मालिक कायनात की कसम सारे नबियों का नबी। कौन? हमारा नबी, सारे नबियों का सरदार, अमीना का लाल, अब्दुल्ला का चांद, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अब कोई नबी नहीं आना, ये दूसरा मौजीजा। तीसरा मौजीजा अल्लाह ताला ने अता फरमाया, सहाबा का वजूद। अल्लाह मुझे और आपको सहाबा से प्यार नसीब फरमाए, इनकी जिंदगियां पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अनियों पे चढ़कर कुरान पढ़ने वाले, तपती हुई रेत पर अंगारों पे लेटकर अल्लाह ताला की तौहीद का नारा बुलंद करने वाले सहाबा का मुकाबला इस दौर में कौन कर सकता? अबू बकर की सदाकत, ये भी मेरे नबी का मौजीजा है। उमर की अदालत, मेरे नबी का मौजीजा है। उस्मान की सखावत, मेरे नबी का मौजीजा है। अली की शुजाअत, मेरे नबी का मौजीजा है। हसनैन की कुर्बानी, मेरे नबी का मौजीजा है। अमीर मुआविया की सियासत, मेरे नबी का मौजीजा है। हिलाल हबशी की अजमत, मेरे नबी का मौजीजा है। सहाबा की नमाजें, मेरे नबी का मौजीजा है। सहाबा के रोजे, मेरे नबी का मौजीजा है। सहाबा के हज, मेरे नबी का मौजीजा है। 256 सहाबा ने मेरे नबी की हीन हयाती में जामे शहादत नौश फरमाया, आज भी उनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये भी मेरे नबी का मौजीजा है। इशारों पे जान दे दी, हमसे नाच गाना नहीं छूटता। हम इसे इश्क कहते हैं जिस पर मेरे नबी ने लानतें फरमाई। अभी सुबह में यही था बड़ोड़ा में, फजर में ही आया, पूरी रात सफर में थे हम, फटाकों की आवाज आ रही थी, जश्न मना रहे।
कौन सा इश्क है, इसको क्या नाम दिया जाए? आने की खुशी मनाते, जाने का गम नहीं मनाते। इसी महीने में आए तो इसी महीने में गए, और इसमें तो इख्तिलाफ है कि आज आए या नहीं आए, लेकिन जाने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। किसी ने कहा 9 को आए, किसी ने कहा 10 को, किसी ने 11, किसी ने 12, इन सब कहते 12 को गए हैं। फातिमा का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और यहाँ फटाके फोड़े जा रहे हैं। बिलाल हबशी की चीखें निकल रही है। उमर इब्नुल खत्ताब ने तलवार उठाकर कहा, किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चले गए, मैं गर्दन काट दूंगा। अबू बकर ने संभाला था। हम देखो हमारा हाल क्या है, और हम इसका उन्वान देते इश्क रसूल। कोई झोड़ी नहीं, परले से परले दर्जे का कोई आदमी हो ये भी कह सकता है कि ये नौटंगी है, इसका इश्क से कोई ताल्लुक नहीं। दुख इस बात का होता है कि वो हमें गुमराह कह रहे हैं। जो सराहतन ये काम करते हैं वो कहते हैं हम गुमराह हैं। अरे ये वो टाइम नहीं है मुसलमानों एक दूसरों को गुमराह कहने का। मैं तो अपने उन भाइयों से भी कहता हूँ, आप आओ हमारे पास, आओ हमारी मस्जिदों में, आओ इजाजत दो तो हम तुम्हारी मस्जिदों में आके बयान करें। एक होने का टाइम है, ये फटाकों का टाइम नहीं है। सच्चा इश्क अगर होगा तो ये बिल का जो आप पोस्टर देख रहे हो ना, एक बिल नहीं, अगर सीने में, वजूद में, बॉडी में, कपड़ों में, चेहरों में, लिबास में, अगर नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएंगी, एक बिल नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह ऐसे हजारों बिल हमारे फेवर में पास करा देगा। हम एक में हम फाफे पड़े हुए, चारों तरफ देखो कितना शोर है। हालात ऐसे नहीं आते, बुखारी में है आमालुकुम उम्मालुकुम, जब जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसे हुक्मरान दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नाम अमाल की तरफ देख। इतने खूबसूरत दिन होते हैं ना जो दुआओं के कबूल होने के दिन होते, उसमें हम गुनाहों का बोझ डालते, सारा करा कराया बिल्कुल मिसमार हो जाता है। और चौथा मौजीजा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, मेराज। बोलो क्या? उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां तक किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहम और ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे हैं गुजरने वाले, खुद यहाँ पड़े हैं जिहत को लाले। कोई क्या बताए किधर गए थे, सुरागे आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। कमाल इमकान के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेरे में हो, मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। जिस साल, इस पर मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, जिस साल अल्लाह ताला ने मेराज कराई वो दुखों का साल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा इस साल फौत हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा जो हमदर्द थे, गमगुसार थे, अबू तालिब, इसी साल फौत हुए थे। इसीलिए तारीख की किताबों में इस साल का नाम लिखा है आमुल हुज्न, गम का साल। खदीजा ने जो साथ निभाया था, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। जब तक खदीजा मेरे नबी के निकाह में रही, आपने कोई दूसरी शादी भी नहीं फरमाई। बीवी से प्यार करना ये भी तो नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने बीवियों से प्यार किया है, नऊज़ुबिल्लाह, थप्पड़ नहीं मारे, गालियां नहीं दी, गालियां नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा। हम तो मारते हैं, पीटते हैं। होटल में खाने जाओ, 4,000 का बिल होगा। कितना? 4-5,000 हो जाता है। अब तो बहुत महंगी हो गई होटल है। 5-6 का ग्रुप बना के जाओ ना तो 6,000 रुपये हो जाते हैं।
इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत बिरयानी बीवी घर पे देती है बनाकर। कभी 200 का नोट हदीये में दिया नहीं दिया, बिल देंगे क्यों? खौफ है कि ये बर्तन धुलाएगा। बीवी ने कभी कहा 200 दे वरना बर्तन धुलाऊंगी। माँ तुम्हारी खिदमत करती है, नौजवानों से कहता हूँ, कभी माँ से कहा कि इतना खूबसूरत खाना तूने बनाया, ले मेरी तरफ से 500 रुपया हदीया। कितने तो है ना बीवी के पैसे ले लेते, वो तो जमा किए वो पैसे ना, मुझे काम है। जू तू करके बचा बचा कर उसने कुछ इकट्ठा किया था, वो भी सारा एक झटके में उड़ा देते। ये मोहब्बत का फार्मूला बता रहा हूँ। दो हदिया 200-500 रुपए से तुम्हारा कुछ कम ना होगा, उसका दिल जीतोगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, और अगली बिरयानी उससे ज्यादा अच्छी मिलेगी। 500 देना है ना, ये नहीं करते। करते क्या है, अगर बिगड़ गया तो फिर खैर नहीं, गालियां देते, मारते, पीटते। हमारा काम कैसा है, मक्खी की तरह सारा बदन छोड़ के जहां जख्म होता है ना वहां बैठती है। हम पूरे साल में अच्छा खिलाया, हम नहीं देखते, एक दिन बिगड़ा हम उस पर टॉर्चर करते, ये क्या बनाया तूने बेटा, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? अरे माँ के घर से आए 15 साल हो गए, वो सास कब्र में है फिर भी ताने चलते हैं। ये तो तालीम नहीं थी हमारे नबी की। इतनी खूबसूरत तालीम हमारे नबी ने हमें सिखाई। किताबे खोलो, आयशा से कैसा प्यार था, सफिया, सौदा, हब्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, खदीजा, जुबेरिया, मैमूना, ये सारी बीवियां। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जिनको ये बीवियों का नाम नहीं आता। और दावे के साथ कहता हूँ अगर आप इन्हें पूछ लो कि फुला एक्टर की शादी कौन सी बीवी से हुई, कौन सी लड़की से हुई, वो एक्टर की बीवियों का नाम जानते हैं। पूछ लो आप, एक्टर की बीवियों के नाम हम जानते हैं कि हाँ उसकी शादी उससे हुई। लेकिन जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, अमीना के लाल की बीवियों का नाम जो मेरी तुम्हारी पूरी उम्मत की माए है, हम 11 नाम याद नहीं कर सकते। ये तो पता होता है विराट कोहली की बीवी का नाम क्या है, आका की बीवी के कितने नाम है वो नहीं पता होता, क्योंकि वो एक्टर में पूरा दिन बर्बाद होता है, पूरा दिन मोबाइल में होता क्या है। एक एप्लीकेशन छोड़ो दूसरी एप्लीकेशन में दूसरा एक्टर है, तीसरा पेज खोलो तो तीसरा एक्टर है, पूरा का पूरा मोबाइल एक्टरों से भरा हुआ है। उससे फुर्सत मिले तो हम वहां जाए। हमारा तो काम क्या है, बस एक जलसा करना है 12 रबीउल अव्वल को, हो गए हम आशिक रसूल। एक दिन के लिए हमारे नबी आए थे नहीं, एक कौम के लिए आए, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो जिस साल अल्लाह ताला ने मेराज कराई, आप सगे करीबी रिश्तेदार दुनिया से फौत हो गए। एक खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नंबर दो अबू तालिब जो अल्लाह के नबी के सगे चचा थे। तो मेरे नबी गमगीन थे, गमजदा थे, गमो अंदोह के शिकार थे। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को मेराज कराई, जन्नत की सैर कराई। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? अल्लाह फरमाता है इसलिए मेराज कराई ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जिस तरह ये जमीन से आसमान ऊंचा है, इसी तरह अमीना का लाल सारी कायनात से ऊंचा है। इलाहुल आलमीन, तूने अपने हबीब को मेराज क्यों कराई? अल्लाह फरमाता है इसलिए मेराज कराई, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका देते हैं, चिल्ले 4 महीने की जमात में जाते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले पढ़ने वालों से प्यार करते हैं, दीन दीन तबलीग का तबलीग दीन का काम करते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, मेरे हबीब आइए, मैंने इनके लिए जन्नत में जो नियामतें तैयार कर रखी है, आइए और अपनी आंखों से दीदार कर जाए।
या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेहराज क्यों कराई? अल्लाह फरमाता इसलिए मेहराज कराई, सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों के इमाम बनकर आए, हमारा नबी सारे नबियों का इमाम बन के आ रहा है। या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेहराज क्यों कराई? कहा इसलिए कराई, जुलेखा ने कहा था मिस्र की औरतों को कि आओ ताने ना मारो, एक गुलाम को दिन दे बैठी, आओ मेरा यूसुफ देखो, अल्लाह फरमाता है आओ सारे मेरा मोहम्मद देखो। या अल्लाह तूने अपने हबीब को मेहराज क्यों कराई? कहा इसलिए मेहराज कराई, सारे नबियों को मैंने अतियात जिब्रील के वास्ते से दिए, इस सफर में एक स्टेप ऐसा आएगा सारे पीछे हट जाओ, इस अकेले को अकेले के पास आने दो। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پاک ہے وہ ذات ناممکنہ سے پاک ہے مشکلات سے پاک ہے کلفتوں سے پاک ہے دقتوں سے پاک ہے کیسے لے جائے گا کون لے جائے گا فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جایا کرتا ہے آواز دی جبرائیل ہاں جی رب جلیل آ جاؤ ام ہانی کے گھر میرا حبیب تشریف فرمائے آرام فرما رہا ہے میرے حبیب کو اوپر لے آؤ جبرائیل آئے میکائیل کو ساتھ لے کر آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے जिब्राइल अलैहि सलाम ने जब देखा तो सोचने लगे अब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कहीं ऐसा ना हो अपने अंदाज में उठाऊं कहीं बेद भी ना हो जाए। पूछा इलाहुल आलमीन या मोहम्मद कह के उठाऊं, फरमाया नहीं नहीं या रसूल अल्लाह कह के उठाऊं, फरमाया नहीं नहीं ताहा कह के जगाऊं, फरमाया नहीं नहीं यासीन कह के उठाऊं, फरमाया नहीं नहीं या अय्युमल मुज़म्मिल कह के उठाऊं, फरमाया नहीं नहीं या अय्युमल मुद्दसिर कह के जगाऊं, फरमाया नहीं नहीं खबीरम बशीरन कह के जगाऊं, फरमाया नहीं नहीं रहमतुल लिल आलमीन कह के उठाऊं, फरमाया नहीं नहीं इलाहुल आलमीन बालों को हल्के से सहला देता हूँ तेरा महबूब उठ जाएगा, फरमाया नहीं नहीं हाथों की उंगली हल्के से खींच लेता हूँ सरकार उठ जाएंगे, फरमाया नहीं नहीं पांव की उंगली हल्के से खींच लेता हूँ सरकार उठ जाएंगे, फरमाया नहीं नहीं काफिर कैसे जगाऊं कैसे उठाऊं। आवाज आई उली अजनिहतिम मतना वसुलात वरुबा, ओ जिब्राइल मैंने तुझे 600 नूरानी पर अता फरमाए, तू सारे फरिश्तों का सरदार है, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, आज मुझे दुनिया वालों को बतलाना है नूरी फरिश्तों के सरदार का क्या मकाम है, आमीना के दुर्र यतीम का क्या मकाम है, काइलाहुल आलमीन फिर मुझे बतलाया जाए मैं कैसे जगाऊं के का मेरे महबूब की तलियों में लेट जा, हल्का सा बोसा दे दे मेरा महबूब उठ जाएगा, तलियों को बोसा दिया मेरे नबी उठे, कहा इधर कैसे आना हुआ, कहा मुख्तारे कुल ने हबीबे कुल की दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, कहा मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, पूछा क्या, कहा तूने मेरी तलियों को बोसा दिया तुझे कुछ मजा आया के नहीं, जिब्राइल फरमाने लगे न जन्नत की गलियों में देखा मजा तो मोहम्मद की तलियों में देखा। अरे जिंदाबाद तो बोलो, ये तो आप तो जाते मुर्दाबाद हो जाए, न जन्नत की गलियों में देखा मजा तो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये मेरे अल्लाह ने जिब्राइल से ये ऐसा एहतराम करवाया, हम कितना एहतराम करते हैं देखो अपनी जिंदगी में। फिर पूछा और एक बात, मैं अल्लाह ताला की किस्मत पे कुर्बान जाऊं तकसीम पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दो लंबे सफर कराए, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में दो लंबे सफर किए, एक फरश वाला एक अरश वाला, इन दो सफरों में जो रफीके सफर साथ जो रफीके सफर थे अल्लाह ने इनकी अजमतों की धूम अरशो फरश तक पहुँचाई, कहा मेराज वाली रात जिब्रील साथ जाएगा, हिजरत वाली रात सिद्दीक साथ जाएगा,
जाएगा। मेराज वाली रात जो साथ गया सय्यदुल मलाइका बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया सय्यदुल सहाबा बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो अमीन बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरा तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। मेरे नबी के रोजे की अल्लाह जियारत नसीब फरमाए। उसी हुजरे आयशा में अबू बकर सिद्दीक भी आराम फरमा रहे हैं। हिजरत वाला हुजरे तक गया, जो साथ अबू बकर ने निभाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब परवरदे दामान मुरसल है, जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। और एक हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूम मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिन किसी के पीछे चलोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अमीना का लाल पीर है, सहाबा इनके मुरीद है, अमीना का लाल उस्ताद है, सहाबा इनके शागिर्द है, अमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा इनके पैरोकार है, अमीना का लाल आका है, सहाबा इनके गुलाम है, अमीना का लाल चांद है, सहाबा इनके सितारे हैं, अमीना का लाल शमा है, सहाबा इनके परवाने हैं, रहमत के फव्वारे हैं, अजीब नजारे हैं, जन्नती सारे के सारे हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ा, जिनका इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। हमारा इम्तिहान कौन लेगा? डॉक्टर लेगा, टीचर लेगा, मास्टर लेगा? सहाबा वो है जिनका इम्तिहान रब्बुल आलमीन ने लिया, 100 नंबर पास करके दिखाएगा। देखो बिलाल का इम्तिहान का पर्चा देखो, ऐसा पास पर्चा ईमान में कोई कर ही नहीं सकता। जो पर्चे साफ, जो पर्चे 100 नंबर सहाबा ने लाके दिखाए, हमारा पर्चा पहले से बिल्कुल साफ है। اولئك الذين امتحن الله, अल्लाह फरमाता है मैं इम्तिहान लेने के लिए आ गया। पूछा इलाहुल आलमीन किस मजमून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबगुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाहुल आलमीन फिर क्या मिला? फरमाया लितकवा, परहेजगारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालो, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात ना करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, कुरान में उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये सहाबा अल्लाह की जमात है, और अल्लाह की जमात हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब होते हैं। हम भी अल्लाह की जमात बन के दिखाए, सहाबा के नक्शे कदम पर चले, इंशाल्लाह अल्लाह सहाबा की सफों में हमें खड़ा करेगा। फिर पूछा मेराज के सफर में जाना है, जिब्राइल कैसे जाएंगे? कहा बुराक लाया हूं, बुराक तो सारे दुनिया के जानवरों का सरदार, बुराक जैसे सारे कुओं का सरदार जमजम का कुआं, सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद, सारे दिनों का सरदार जुमा, सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर, सारी किताबों का सरदार कुरान, सारे घरों का सरदार बैतुल्ला, सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा, सारे सहाबा का सरदार अबू बकर, सारे नबियों का सरदार अमीना का लाल, इसी तरह सारे जानवरों का सरदार बुरा,
किसी न तेल की जरूरत पड़ती है न एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किताबों में लिखा है जहाँ उसकी नजर पड़ती है वहीं उसका कदम पड़ता है, इतना तेज रफ्तार। जब हमारे नबी उस पर बैठने लगे तो उसने कुछ तकब्बुर में गर्दन हिलाई। जिब्रील ने कहा तू जानता है ये कौन है? ये अमीना का लाल कायनात का सरदार है, इसके सत्ते में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। जिब्राइल ने जब कहा ना तूने इनके सामने तकब्बुर किया, गर्दन हिलाई, पुराग जानवर को पसीना आ गया। हमें कभी पसीना नहीं आया, आराम खाते खाते जिंदगी गुजर गई, कभी पसीना नहीं आया। दो रुपये हलाल के हो ना, दो करोड़ हराम के मुकाबले में ज्यादा टिकता है। क्यों खाए किसी का पैसा? पसीना आना चाहिए, नहीं मेरा नहीं है, गैर का है, चबा लिया कल अल्लाह को क्या मोदी खाऊं। धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं दुनिया से, कौन क्या ले जाता है। नेशापुर में एक व्यापारी था, उसका तिजारत नहीं चलती थी, उसकी दुकान नहीं चलती, कारोबार बहुत मंदा था। उसको किसी ने कहा यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाओ, दुआ कराओ, अल्लाह तुम्हारा कारोबार और दुकान तुम्हारी चल पड़ेगी। तो वो परेशान हाल था, अल्लाह वाले के पास आया। अल्लाह वाले थे, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद है और अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे। कहा मैं व्यापारी हूँ, मेरी दुकान नहीं चलती, आप कोई दुआ कर दीजिए, कोई नसीहत कर दीजिए। तो गर्दन नहीं उठाई, झुकी हुई गर्दन है और कहने लगे बेटा पूरा तोल के दिया करो। डंडी मारता हो जैसे हाथ लोग करते हैं, चार सेब मिलने जाए नीचे, वो मिकनाती चिपकाई, तीन सेब पकड़ा देते, चलो निकलो, एक सेब हराम का घर ले जाते, पैसा किस काम का। अब वो व्यापारी जो आदमी था वो सोचने लगा मैं ये काम करता हूँ किसी को पता नहीं है, ये जरूरी अल्लाह वाला है, कश्फ हुआ, इल्हाम हुआ, अल्लाह ने किसी तरह उसे बताया। तो फिर उसने नियत कर ली कि अब मैंने तोलना ही नहीं है। वो ग्राहक से खुद कहता था खुद ही तोल के ले जाओ। उसके इस अमल का इतना चर्चा हुआ, लोग 20 दुकान छोड़ के यही लेने आते थे कि यार ये तो खुद ही तोल के देता है, और अगर कोई ज्यादा ले जाए तो कुछ कहता भी नहीं, ले जाने देता है। इसकी दुकान इतनी चल पड़ी, इतनी चल पड़ी, इतना माल बढ़ गया कि वो जो तोलने के जो आले होते बट 500 किलो के, वो भी उसने सोने के बनवा लिए। वैसा माल तो किसी के पास था नहीं कि सोने के बट बनवा सके। चारों तरफ इसका शोर हुआ, दूर दूर इलाके से काफले आते थे और यहीं से सौदा खरीदने खरीद के ले जाते थे। तो वो सोचने लगा इतना माल मिला एक बुजुर्ग की नसीहत पर, चलो मैं अपना हाल तो सुना के आऊं। तो हाल सुनाने गए, कहा हजरत आपकी एक नसीहत थी, इतना माल दे दिया कि मैंने तोलने के जो आले हैं बट भी सोने के बनवा दिए। तो नजर झुकी और कहने लगे जाओ इसको नदी में फेंक दो। इनकी नसीहत से तो मिला था, तो पसो पेश तो की नहीं, कोई हुज्जत की नहीं, दलील दी नहीं, फौरन उठाया बट और वो नदी में डाल दिया। अब एक काफला किनारे से आ रहा था, चलते चलते किसी काफले के फर्द को ठोकर लगी। जब रेत हटाई उठाया तो वही सोने का बट था। सबको पता था कि ये बट उस व्यापारी के अलावा किसी के पास नहीं, उठा के उसी के पास लाया। कहता रहा ये बट नदी के किनारे मिला, ये नदी के किनारे कैसे पड़ा हुआ है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, फेंका था मैंने नदी के अंदर, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे कैसे पहुंची। आप थोड़ी देर तवक्कुफ करो, मैं अभी आता हूँ। वो बट उठा के हजरत के पास पहुंचा, कहा हजरत आपके कहने पर नदी में फेंक दिया था, किनारे पे कैसे आया। तो गर्दन उठाई, मुस्कुरा कर कहा जो हलाल होता है वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो, समंदर में डाल दो, अल्लाह कदमों में पहुंचा दे। कहते हैं ना कारोबार डूब गया, ध्यान दो पीछे रजिस्टर में किसी का गलत माल तो नहीं आ गया, गलत पैसे आ जाए ना फिर डूब जाता है। अब पसीना नहीं आता, आंखें गलत देखती है पसीना नहीं आता, कान गलत सुनते हैं पसीना नहीं आता। वो जानवर हमसे अच्छा है, उसको पसीना आया कि ये कायनात का सरदार है। हम कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रोजाना पांव तले रौंदते हैं, हमें पसीना नहीं आता। अल्लाह मेरी तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बना दे, नबी की सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। बुराक पे जब सवारी की सफर शुरू हुआ, और एक बार
सारी कायनात अल्लाह को तलाश करती है। मेरे नबी का मकाम देखो, खुद अल्लाह मुलाकात के लिए ऊपर बुला रहा है। कौन जा रहा है? ये वो जा रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई। ये कौन जा रहा है? ये वो जा रहा है जिसकी मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ते हैं। ये वो नबी जा रहा है जिनका अल्लाह ने सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो नबी जा रहा है, मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये वो नबी जा रहा है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है, जो कभी फर्श पे चलता है कभी अर्श मोहल्ला का मेहमान बन जाता है। ये वो नबी जा रहा है, ये वो नबी जा रहा है जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये वो नबी जा रहा है अल्लाह ने जिनके चेहरे को वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को वल्लैल कहा, जिनके दांतों को यासीन कहा, जिनके सीने को अलम नशरह कहा। ये वो नबी जा रहा है जो दरख्तों को इशारा करता है, जड़े छोड़ के दरख्त कदमों में आ जाते हैं। ये सारी हदीस मिश्कात में मौजूद है। इशारा किया दरख्त आया, सलाम करके फिर वापस चले गए। दरख्त वहां से यहाँ आते, सलाम करके फिर जाते, रब की इजाजत से आया था सलाम करने आया, अस्सलाम वालेकुम या नबी, फिर चले जाते। ये वो नबी जा रहा है, बुलाने वाला सुबहान, जाने वाला नबी आखिरुज़्ज़मान, गवाही देता है अल्लाह का कुरान, इसी में मोहम्मद का आली मकाम। बुलाने वाला रब्बुल अफलाक, जाने वाला साहिब लौलाक, बुलाने वाला रब्बे हसीब, जाने वाला अल्लाह का हबीब, कितना खुश नसीब और कितना अल्लाह के करीब। बुलाने वाला महबूद, जाने वाला आबिद, बुलाने वाला मस्जूद, जाने वाला साजिद, बुलाने वाले का राज है, जाने वाले की मेराज है। सबसे पहला स्टॉप आया मदीना। बोलो आमीन, अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। अल्लाह ने बहुत हसीन शहर बनाया मेरे नबी का शहर। जाना है ना मदीना है? जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह असबाब मुयस्सर फरमाए। वहाँ वो असबाब का मोहताज नहीं, हम मोहताज है असबाब का। वो तो कैसे भी बुला सकता है, कहीं से भी बुला सकता है। जब देवबंद में बुखारी शरीफ पढ़ता था, मुफ्ती सईद अहमद पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कब्र को ता हद नजर वसी फरमाए, मुअत्तर बनाए, खुशबूदार बनाए। चलता फिरता कुतुब खाना था, हमारे उस्ताद है, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। हमारे गाँव में एक आदमी है जिसके पास खुद का मकान नहीं, बस 17 हज करके रखे, 17 गांव वालों ने एक दफा इनके पास जाके कहा, भाई तेरे पास खुद का मकान है, तू हर साल हज को कैसे जाता है? तो कहा, देखो मेरा 18वें साल का बुकिंग हो चुका है, अगर तुम्हें बताता हूँ रुकावट आती है तुम्हें भेजना पड़ेगा। वो सारे भाग गए, हमें जाना इसलिए तो तेरे पास आए, अब तुझे भेजे। हम तो समझे कोई इसमें आजम होगा, कोई वजीफा होगा, ले लेंगे हज को जाएंगे, उल्टा हम ही पीछे पक रहा है। तो फिर हजरत मुफ्ती साहब जब छुट्टियों में गाँव आए, तो गांव वालों ने कहा, एक बंदा है हर साल हज को जाता है, कहा पूछ लो कैसे जाता है, पूछने तो गए थे। वो कहने लगा, 18 साल का बुकिंग है, जाता अगर रुकावट हो आप ये बताने पर तुम्हें भेजना पड़ेगा, हमारे अंदर तो सकत है नहीं, आप ही पूछ लीजिए। कहा चलो मेरे साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए। कहा भाई 17 मरतबा हज करके आया, मुबारक हो, कैसे जाते हो तुम? कहा मैंने इनको बताया है, मुझे पता है, मैं तुझे भेज दूंगा अगर रुकावट आ गई, बता। वो कहा मैं जब हज को जाता हूँ 5 दिन काम होता है, जब हज के अय्याम खत्म हो जाते 35 दिन वहाँ करना क्या होता है, मैं रोजाना एक तवाफ करता हूँ, बरकत की दुआ मांगता हूँ और फिर नाई का काम करता हूँ, हलक करवाता हूँ, हलक करता हूँ, वो मुंडन करते हैं ना, फिर जो पैसा होता है मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता, उन्हीं पैसों में अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है, अगले साल उन्हीं पैसों से हज करने जाता हूँ। तड़प थी, अल्लाह ने उसी एक उस्तरे से 17 हज कराए। हमारा तो ज्यादा टाइम बंगाली मार्केट में जाता है, जाया नहीं जाता, वहां से बुलावा आता है। और हर एक के अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि मैं मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, है कि नहीं?
मुकद्दस मकामात अल्लाह हमको मदीने की हाजिरी मदीने की मौत नसीब फरमाए। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, साहिब ईमान नजर आएगा, मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। यार उसे मुकद्दस है ये तैयबा की जमीन है, जन्नत भी यही है, वारित जन्नत भी यही है, दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। पर जिसने न किया गुम्बद खजरा का नजारा, वो आंख हकीकत में कोई आंख ही नहीं है। फिर पहले आसमान पे आदम, दूसरे पे ईसा, तीसरे पे यहया, चौथे पे इदरीस, पांचवे पे हारून, छठे पे मूसा, सातवें पे इब्राहिम। सात आसमान से ऊपर उन बुलंदियों तक बुलाया जहां मैं और आपका ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों जमीन में सफ़े बिछ गई। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों जमीन में सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ गए तो इमाम आ गए। अजान दी जिब्राइल अमीन ने, अजान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन। हाँ, इतने सारे नबी है, अब अन्न के बाद किसका नाम लेना है? हम पढ़ते ना अन्न मोहम्मद, आदम है, ईसा है, यहया है, हारून है, इदरीस है, यूसुफ है, याकूब है, इतने 1,24,000 अंबिया है, मुझे किसका नाम लेना है? अल्लाह ने कह दिया मैं खालिक हूँ, तुम मखलूक, मैं वहीद, तुम महबूब, मैं शान देने वाला, तू शान देने वाला, मैं बुराक भेजने वाला, तू सवारी करने वाला, मैं जमीन की चादर अता करने वाला, तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर, तू बशीर, मैं खबीर, तू सिराज मुनीर, जन्नत मेरी मालिक, तू कौसर मेरी साथी, तू किताब मेरी जुबान, तेरी कलाम मेरा अल्लाह, तेरी रुबूबियत मेरी, खदमत नबूवत तेरी, इबादत मेरी होगी, नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। किसी और का नाम नहीं लेना, नमाज भी इन्हें पढ़ानी और अजान में नाम ही इन्हीं का लेना है। तो सारे नबी सोचते थे ना मेरी बारी आएगी। आदम अलैहि सलाम ने क्या सोचा था? मैं अब्दुल बशर हूँ, सारी कायनात अल्लाह ने मेरे सदके में बनाई, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। ईसा अलैहि सलाम सोचने लगे बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमा, जिंदा उठाया, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोचने लगे आतिश नमरूद में कूद गया, तौहीद नहीं छोड़ी, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम सोचने लगे छुरी के नीचे आ गया, लेकिन अल्लाह नाफरमानी नहीं की, तौहीद नहीं छोड़ी, मुझे इमामत का हक मिलेगा। सारे नबी सोचने लगे, जिब्राइल आए और हमारे नबी को आगे कर दिया, सारे एड़िया उठा उठा कर देख रहे हैं नमाज कौन पढ़ा रहा है, नमाज हम देखते हैं ना ईदगाह में, नमाज कौन पढ़ा रहा है। तो जब आमीना के लाल पे नजर पड़ी, कहा यार खातमुल अंबिया तो था, अब नमाज पढ़ा के इमामुल अंबिया भी बन गए। 70,000 नूर के पर्दे हटे, अल्लाह ने अपना कलाम सुनाया, अपना दीदार कराया। मेरे नबी ने कहा कुछ तोहफा लाया हूँ, मुझे रब के लिए तोहफा, खाने की चीज है मैं पाक हूँ, पीने की चीज है मैं पाक हूँ, पहनने की चीज है मैं पाक हूँ, मैं वहदहु ला शरीक हूँ, लम यलिद वलम युलद मेरी सिफत है। काम मैं वो लाया हूँ वो तेरे पास भी नहीं, काम मैं पूरी कायनात का पैदा करने वाला वो कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं, काम मैं अब्दियत लाया हूँ। सारी जिंदगी तो कहता रहा तू मेरा, सारी जिंदगी में कहता रहा तू मेरा रब है, तू मेरा रब है, आज एक दफा तू कह दे हाँ तू मेरा बंदा है, मुझे बंदा कह के पुकार दे। अब्दियत मेरे नबी का तवाजु इतना था, अब्दियत इतनी थी। आज तो 2 पैसे क्या ज्यादा आ गए, हम सारी भूल सारा कुछ भूल जाते हैं कि हम है कौन, बने किससे और जाना कहाँ है।
पता माल का गुरूर होता है ना, हरा के वह हमारा नहीं है, सारा पीछे रह जाने वाला है। التحيات لله والصلوات والطيبات मेरे नबी ने फरमाया इलाहुल आलमीन में ये तोहफा लाया हूँ, आज के बाद बदनी इबादत माली इबादत जिस्मानी इबादत मैं सारी तेरे लिए किया करूँगा। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब मेरी तरफ से भी कुछ तोहफे ले जा। कहाँ क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अल्लाह ने भी कहा तुझ पर सलामती हो, मेरी रहमत से मेरी बरकतों से अपनी झोली भर ले। देखो आगे वाला जुमला, मेरा नबी हमारा नबी हमारा नबी हमें वहाँ भी नहीं भूला, फौरन कह दिया इलाहुल आलमीन वाला इबादिल्लाह सालेहीन सालेहीन तेरी बरकत और रहमतों में मेरे नेक बंदों को भी मेरे नेक तेरे नेक बंदों को भी शामिल फरमा, मेरी उम्मत के नेक बंदों को भी शामिल फरमा। न यहाँ भूला न वहाँ भूला। और एक तोहफा और मिला, 50 नमाज। कितनी बोलो? अब कहाँ पढ़नी? अब तो अभी भी वो आहिस्ता बोलते हैं लोग, इनको पता डर लगता है अरे अब थोड़ी वही आने वाली है, अब वही का सिलसिला खत्म, अब 5 ही पढ़नी। 50 भी इतनी आहिस्ता पढ़ते, वो भी कहते हैं कि फजर नहीं पढ़ी जाती, कितनी तो अभी नहीं पढ़ी जाती, 50 कहाँ से पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ ये मेरा अल्लाह तोहफा दे रहा था, मेरा नबी दे रहा था, मेरे पे नजर थी ना आप पे नजर थी, नजर थी तो उस्मान इब्ने अफ़ान पे थी जो एक दिन में पूरा कुरान खत्म किया कर रहे। जब मेरा अल्लाह तोहफा दे रहा था मेरा नबी ले रहा था, मेरे पे नजर थी ना आप पे नजर थी, नजर थी तो फातिमतुल ज़हरा पे थी, सारी रात इबादत करती सर्दी के मौसम में, फजर हो जाती तो आंसू बहाती आसमान की तरफ देखती रो कर कहती मालिक तूने रात कितनी छोटी बनाई, सुबह हो गई अभी तेरी बंदगी का बंदगी शौके बंदगी खत्म नहीं हुई। वो 50 नहीं 500 होती ना तब भी पढ़ लेते, हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। मेराज का सबसे बड़ा तोहफा है नमाज, सारी इबादतें फरश पर हुई, नमाज की बारी आई अल्लाह ने अरश पर बुलाया। अगर नबी से प्यार है नबी की अदाओं से प्यार करेंगे। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबन निसा व जुइलत कुर्रतु अयनी फिस सलाम। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें ज्यादा पसंद है, 1 हवा औरतें, नंबर 2 खुशबू, नंबर 3 मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज की इस मजलिस के मजलिस की मुनासबत से आपको 2 बातें बताता हूँ, आपको अमल करना है, करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। और नंबर 2 नमाज ना छोड़ेंगे और नंबर 2 कुरान की तिलावत करेंगे। इन 2 चीजों को दामन से बांध लो, नमाजी बन जाओ, कुरान के आशिक बन जाओ। एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ इलाकों में बड़ौदा में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शीरीनी है तो शीरीनी से इश्क है, नबी से इश्क, शीरीनी से इश्क। शीरीनी पीने तो नहीं है ना आप लोग खाने के लिए? हम तो नबी की मोहब्बत में आए, बोलो। बेशक नबी से प्यार है ना, तो नबी के अलावे से भी प्यार करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। हराम नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, हलाल खाएंगे। थोड़ा मिल जाए ना उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है, हराम में बरकत नहीं होती, हलाल में बरकत होती है। हराम से अल्लाह नाराज होता है, मुस्तफा नाराज होता है, हलाल से अल्लाह राजी हो जाता है, नबी राजी हो जाता है। नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नबी की सुन्नतों से प्यार करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे हजारों बीत अल्लाह अपनी फेवर में पास करा देगा इंशाल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह आए आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। एक हम्द सुनाता हूँ। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी,
किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी नन्ने मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने किसके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जिनको आना था वो आ गए सिर्फ कयामत बाकी है सूरज के शाले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है यारों अपने दिल से निकालो यारों अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत खूबसूरत शेर है की रूह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरानी दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरानी चमका लो किरदार को अपने लोग कहे माशा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और एक सुना दूं कौन सी सुनाऊं बहुत सारी है यहाँ वो तो सुना दी थी यहाँ
मुस्तफा का थानी ना हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का थानी ना हुआ न है न होगा। हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनेन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनेन में कोई सानी नहीं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ओ अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। नबी की जिंदगी कैसी थी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और है टूटी चटाई पे बैठे, जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और है टूटी चटाई पे बैठे, हाँ और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसा खाना मेरे नबी का, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसा खाना मेरे नबी का। आगे वाला शेर सुभान अल्लाह कहना। दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, अब नबीना अब नबीना कयामत तलक आएंगे। नबी का रब का महबूब, आप थके तो नहीं? मैं थका हूँ।
रब का महबूब है रब का प्यारा नबी सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी आ गया जो हलीमा की आगोश में अमीना का दुलारा हमारा नबी अब सुनो जोर से कहना सुभान अल्लाह आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी ओ अरबिया जम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का कल भी था ये जमाना नबी का आज भी है जमाना नबी का और एक शेर बहुत खूबसूरत देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्न अदा की नजाकत देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्न अदा की नजाकत पूछना है तो कलियों से पूछो पूछना है तो कलियों से पूछो किस तरह मुस्कुराना नबी का पूछना है तो कलियों से पूछो किस तरह मुस्कुराना नबी का दिल अगर जिद पे अड़ा है तो अड़ा रहने दो दरिया कांप पड़ा है तो पड़ा रहने दो एक न एक रोज मोहब्बत की नजर भी होगी एक न एक रोज मोहब्बत की नजर भी होगी मुझको आका की अदालत में खड़ा रहने दो दर सरकार से रोशनी है मेरे दिल में दर सरकार से रोशनी है मेरे दिल में इस नगीने को अंगूठी में चढ़ा रहने दो हो अरबिया जंगर जगह पर गूंजता है तराना नबी का कल भी था ये जमाना नबी का आज भी है जमाना नबी का आखिरी शेर है सुहेलाज तुझसे दुआ गो अपने प्यारे मोहम्मद के सदके है सुहेलाज तुझसे दुआ गो अपने प्यारे मोहम्मद के सदके लिखते लिखते मुकद्दर में मेरे आप आमीन को आप सबके लिए शेर है लिखते लिखते मुकद्दर में मेरे ए खुदा आस्ताना नबी का लिखते लिखते मुकद्दर में मेरे ए खुदा आस्ताना नबी का हो अरबिया जंगर जगह पर गूंजता है तराना नबी का कल भी था ये पढ़ो कल भी था ये जमाना नबी का आज भी है जमाना नबी का अब हुआ बहुत टाइम पहले बयान करने गया था एक जगह एक साहब ने कहा कारी समा साहब रहमतुल्लाह मैंने कहा भाई अभी तो वो कभी कभी स्टेज होता है ना जबान लड़खड़ा जाता है बजमा देखने की आदत नहीं होती दामत बरकात उनकी जगह रहमतुल्लाह मैंने कहा भाई बस कर दुआ कर
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره مولاي كريم ہم سب کو تیرے نبی کا سچا عشق نصیب فرما یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ تیرے نبی کی سنتوں پہ مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مبارک مہینہ چل رہا ہے یا اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فاطمۃ الزہرا کی چنکھیں نکلی تھی یا یہ وہ مہینہ ہے یا اللہ سارے صحابہ کے کلیجے پھٹ گئے تھے یا اللہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں تیرا نبی دنیا سے تشریف لے گیا تھا یا اللہ ایک دین مستقیم یا اللہ صراط مستقیم یا اللہ کتاب ہدایت دے کر یا اللہ امانت کے طور پر یا اللہ قرآن دے کر تیرا نبی تیرے پاس پہنچا ہے یا اللہ ہم نے ساری امانتوں کو آگ لگا دی یا اللہ ہم نے بہت خیانت کی ہے یا اللہ ہم نے بہت خیانت کی ہے تیرے نبی کی پاک سیرت کے ساتھ خیانت کی ہے تیرے نبی کی سنتوں کے ساتھ خیانت کی ہے تیرے نبی کی خوبصورت زندگی کے ساتھ خیانت کی ہے تیرے نبی کے حسین چہرے کے ساتھ خیانت کی ہے تیرے نبی کے یا اللہ پیارے قرآن کے ساتھ خیانت کی ہے یا اللہ ہماری خیانتوں کو معاف فرما یا اللہ تیرے نبی نے جتنی چیزیں ہمارے ہدایت کے لیے چھوڑی ہے یا اللہ اس سے دامن سے باندھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ صرف تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ ہر سال یہاں تیرے نبی کے اس یا اللہ اس پیدائش اور وفات کے مہینے میں اسی طرح یہ لوگ جڑتے ہیں جمع ہوتے ہیں یا اللہ ان سب کو تو بخش دے یا اللہ سب کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما مولانا عرفان صاحب اور کمیٹی والوں کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ یہ لوگ ان کی یہی نیت ہے یا اللہ یہی ارادے ہے ہمارا سماج ہمارا معاشرہ خرافات سے بچ جائے بدعات سے بچ جائے لا یعنی مشاغل سے بچ جائے یا اللہ یہ لوگ یا اللہ فضول خرچی سے بچ جائے یا اللہ بے حرمتی سے بچ جائے توہین سے بچ جائے تذلیل سے بچ جائے یا اللہ اسی لیے لوگ پروگرام کرتے ہیں اتنا وقت تیری دہلیز پر بیٹھ کر لوگ آنسو بہا کر اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہمارا سماج سدھر جائے ہمارا علاقہ سدھر جائے ہماری سوسائٹی جنت کا ٹکڑا بن جائے اللہ ان کے ارادوں اللہ ان کی نیتوں میں خلوص اور خلوص پیدا فرما یا اللہ ان کے ارادوں کے مطابق یا اللہ اچھے فیصلے مقدر فرما یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جس لائن سے دکھی ہے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ کون کس لائن سے پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے جھولی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی یا اللہ ساروں کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرے بندے ادھر ادھر کیوں جاتا ہے آ میری دہلیز پر مجھ سے مانگ سجدے سے سر اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے معافی کا پروانہ لکھنے میں کوئی دیر نہیں یا اللہ ہم سب کو توحید سمجھا دے تیرا ایک ہونا سمجھا دے لم یلد ولم یولد کا عقیدہ سمجھا دے یا اللہ تیری توحید پہ یا اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنا دے ہمارا یقین مضبوط بنا دے یا اللہ ہم سب کو تیری یا اللہ تیرا عشق نصیب فرما تیری معرفت نصیب فرما تیرے نبی کی سچی محبت نصیب فرما تیرے نبی کی سنتوں سے پیار نصیب فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما جن حضرات نے یا اللہ دعوت کا انتظام کیا تھا بہت اچھا خوبصورت کھانا کھلایا یا اللہ ان کی روزی میں رزق میں عمر میں یا اللہ خوب خوب برکت عطا فرما یا اللہ اس پورے علاقے میں یا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں یا اللہ اس علاقے میں یا اللہ تو جانتا ہے میرا زیادہ آنا ہوتا ہے یا بہت لوگ مجھے چاہتے ہیں یا اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما یا اللہ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ میں تیرے نبی کا گیت گاتا ہوں اس لیے پیار کرتے میں تیرے نبی کی نعت سناتا ہوں یا اللہ اسی مناسبت سے یا اللہ اسی نسبت سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو معاف کر دے ہم سب کی بخشش فرما دے اے اللہ سب کی رزق میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ